बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू फूड डिज़ाइनर। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी आलू की सब्ज़ी और चटपटे बनेंगी ये, बहुत मज़ेदार बनेगी। और चंद इंग्रेडिएंट्स हम इसको तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले मैं भगार रेडी करूँगी, इसके लिए मैंने लिए करी लीव्स 4-5 लिए हुए हैं और लहसुन के चवे लिए हैं 3-4, वो चॉप कर लिया है। सफ़ेद ज़ीरा लिया है, राई ली है 1/2 टी स्पून, उसी हिसाब में 4 टोमेटोज़ लिए थे पील ऑफ करके, उनको चॉप कर लिया है। ग्रीन चिली लिए 3 से 4, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/2 kg ले लिए आलू और मैंने इनको इस शक्ल में काट लिया है, आप चाहें तो क्यूब की शक्ल में भी काट सकते हैं। तो अब इसको रेडी करने का तरीका बताती हूँ किस तरह ये सब्ज़ी बनके तैयार। सबसे पहले मैंने पैन में ले लिया 4 टेबल स्पून ऑयल, और जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो ऑयल अच्छा होना चाहिए, फिर आपकी सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनती है। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो हम अपना भगार जो है वो डाल देते हैं इसमें। सबसे पहले ज़ीरा, राई, करी लीव्स और लहसुन चॉप हुए हुए मैंने इसमें ऐड कर दिया। हम इसको भगार को फ्राई कर लेते हैं। 1/2 टी स्पून मैंने लिए हल्दी और हसबे जायका लिया है नमक, आप चाहें तो रेड चिली भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसको ग्रीन चिली में बनाऊँगी। हमारा भगार रेडी हो चुका था, इसमें डाल दिया मैंने चॉप हुए हुए टोमेटो और ग्रीन चिली, और इसके साथ में डाल दिए नमक और हल्दी। आप चाहें तो रेड चिली यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं इसे ग्रीन चिली में ही बना रही हूँ, बहुत मज़ेदार बनेगी ये सब्ज़ी हमारी। और रेड चिली का यूज़ कम ही करें तो अच्छा है, ग्रीन चिली हेल्पफुल भी है। मैंने इसमें शामिल किया 2 टेबल स्पून पानी और हमें इसको कवर करके रख रहे हैं 5 मिनट के लिए ताकि हमारे टमाटो सॉफ्ट हो जाएं। लो फ्लेम पे रख रहे हैं हम ऐसे, तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। देखिए मेरे पास माशाल्लाह से टमाटो सामान सॉफ्ट हो चुके हैं और ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे स्टेज पर मैं डाल दूँगा कटे हुए आलू, और मैंने इसको ज़्यादा ना बारीक काटा है ना ज़्यादा मोटा, तमाम आलू इसमें शामिल कर देंगे और मसाले के साथ इसको पका लेंगे। व्यूअर्स, मैं तमाम आलू डाल दिए इसमें और मैं चाहूँगी कि इसी आलू में जो पानी है इसी में ये हमारे आलू जो है गल के तैयार हो जाए, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी का यूज़ करेंगे। लो फ्लेम पे कवर करके मैं रख रही हूँ इसको 5 से 7 मिनट के लिए ताकि हमारे आलू जो है सॉफ्ट हो जाए, और अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको गला लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, आलू में जो मौजूद पानी था उसी से ये तैयार हो चुकी है। अगर आपके आलू नहीं गल रहे हो तो 2-3 चम्मच आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, वरना इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, वैसे यमी सी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है और बहुत यमी सी ये बनके तैयार हुई है। और इस पर मैंने गार्निश करने के लिए डाला है हरा धनिया आखिर में। और अगर आपको मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।